नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सोनी आज आपको अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि जब हम EDS में काम करते हैं और हमारा थंबनेल गायब हो जाता है, यानी थंबनेल में कोई इमेज नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों की शिकायत है कि थंबनेल पे हमें कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही है, तो इससे वीडियो एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सेटिंग में जाएंगे। पहले सेटिंग हमें कहाँ मिलेगा? टूल्स में। टूल्स को क्लिक करते हैं, सेटिंग, फिर सेटिंग में आने के बाद यूज़र सेटिंग में जाएंगे। यूज़र सेटिंग में आपको एक एप्लीकेशन सबसे ऊपर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप नीचे टाइमलाइन और फिर यहाँ देखिए क्लिप थंबनेल, यहाँ पर चेक नहीं है, इसको हम चेक कर देंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन के टाइमलाइन में, और ये देखिए क्लिप थंबनेल, इसको हम चेक करके फिर हमें अप्लाई कर देना है। और जैसे हम अप्लाई करेंगे, आपने बैकग्राउंड में देखा उसको ओके कर देना है। बैकग्राउंड में देखा आपने, ये आपके सामने आप पूरा थंबनेल जो अभी वीडियो में केवल नेम आ रहा था और ब्लैंक बस हमें वाइट एक पट्टी दिखाई दे रही थी, अभी आपके सामने थंबनेल दिखाई देने लगा है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ।